खुशी से नींद ही नहीं आई है। पहले तो हम बैठ के उसे देख रहे थे कि अब क्या बनेगा। उसके पास जेवलिन थ्रो खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अरशद नदीम ने किसी हुकूमती सपोर्ट के बगैर एक गोल्ड मेडल लिया, रिकॉर्ड कायम। 1992 में खान साहब जब जितवा के लाए थे तो वेलकम हुआ था। मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए। जो असल हमारे हीरोज हैं, जो कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। एक बंदा जिसके पास पैसे ही नहीं है और वो गोल्ड मेडल जीत रहा है, और एक बंदा उसके पास सारी फैसिलिटीज है, वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। क्रिकेटर को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों पूछते भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनका बड़ा एक हीरो किस्म का जो है ना इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए एक नहायत पुरमसरत और अहम दिन है, क्योंकि आज ये झंडा पूरी दुनिया के सामने सरबुलंद हुआ है। 32 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और जेवलिन थ्रो का 118 साल रिकॉर्ड पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम ने तोड़ दिया। जो पाकिस्तान के हरीफ ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त से दोचार करने के जो सपने सजा रखे थे उनको चकनाचूर कर दिया, और ये बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी है 3 दहाइयों के बाद। आज CM मरियम नवाज साहिबा ने 10 करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान किया अरशद नदीम को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये ऐलान किया कि उनका बड़ा वार्म वेलकम होगा। इसी तरह से कौमी असेंबली में एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई कि कौमी हीरो को वेलकम किया जाएगा, इस जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा, और भी बहुत से लोग इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, इनामात की बरसात कर रहे हैं अरशद नदीम पर। हम आज अवाम में मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि कौम के हीरो अरशद नदीम के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, कैसा उनका वेलकम होना चाहिए और इस अहम फतह के बारे में वो क्या राय रखते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो उसने मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बुलंद किया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएँ, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनके मसाइल जो है हल करने चाहिए। पहले ही मुल्क में जो है ना इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही कम चीज़ें हैं, बहुत ही कम है। हमारे पास एक क्रिकेट है, उसके अलावा और कोई ऐसा स्पोर्ट है नहीं जिसमें मुल्क ने इंटरनेशनल लेवल पर नाम इतना रोशन किया। तो अरशद नदीम ने परफॉर्म किया, हम सबको उस पर फ़ख्र है। हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ करे, इस लेवल पर जो उसके मसाइल उनको हल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको बड़ी मराद भी मिलती है, बड़ी पजीराई भी मिलती है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन अरशद नदीम ने किसी हुकूमती सपोर्ट के बगैर एक गोल्ड मेडल लिया, रिकॉर्ड कायम किया। ऐसी ये जी जिनको जितनी उनको मराहत मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये है कि कौम को क्रिकेट से मोहब्बत है, बस इस चक्कर में जो है ना उनको बहुत फेवर किया जा रहा है। लेकिन जो असल हमारे हीरोज़ हैं, जो कुछ कर सकते हैं और करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, उनको लेके आए, उनके मसाइल हल करे, बाकायदा उनके लिए इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो उनको ट्रेनिंग करें, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए और उनको इस काम फील्ड में आगे लेके जाना चाहिए ताकि वो मजीद नाम रोशन कर सके। कल पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, अरशद नदीम हमारे हीरो बन गए। जी बिल्कुल बिल्कुल बन गए, इसमें कोई शक नहीं है जी। क्या उनके साथ हुकूमत का ट्रीटमेंट होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए होना चाहिए, और उनकी मतलब मदद भी करनी चाहिए है जी, ताकि वो सरल करता रहे है जी। हमारे यहाँ पर हीरोज़ जो बुनियादी तौर पर क्रिकेटर्स को बड़ी पजीराई मिलती है, लेकिन दूसरी स्पोर्ट्स को बड़ा निगलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल, इसका कोई पता नहीं है क्यों होता है, हालांकि होता है ये कि क्रिकेटर को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों को पूछते भी नहीं है। खेलों में दिलचस्पी रखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रखते हैं। क्या खेलते हैं? ज़्यादातर गुली क्रिकेट ही खेलते हैं। कल पाकिस्तान ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, कैसी लगी परफॉर्मेंस हमारे हीरो की? जी बिल्कुल, मैं तो उधर रात को बैठ के लाइव देख रहा था, रात को नींद ही नहीं आई है। खुशी से नींद ही नहीं आई है। पहले तो हम बैठ के उधर देख रहे थे कि अब क्या बनेगा। वो उसने आपको पता है उसका क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, उसने 89 पॉइंट कुछ मीटर का पहले फेंका था और इसने 86 मीटर कुछ फेंका था, तो मुझे लगा शायद यहाँ थोड़ा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे पता था कि उसने अपनी फुल परफॉर्मेंस अभी देनी है, फाइनल में देगा। और वो जब देखा तो वो वही हुआ जो हम सोच रहे थे कि उसने 92 मीटर का फेंका और पूरी दुनिया को उसने बता दिया कि आपने तो लाइव कमेंट्री भी देखी, इंडिया वाले कल बड़े पहले खुश थे कि नीरज चोपड़ा जो है वो जीत जाएगा। जी जी बिल्कुल, लाइव देख रहे थे उनकी कमेंट्री, बाद में उन्होंने मतलब कि उनके रंग ही चेंज हो गए, कि बाद में कहने लग गए कि ये सिल्वर मेडल भी लेके क्या नाम है, इसे भी करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। पहले वो गालियाँ दे रहे थे लेकिन बाद में उनके रंग ही बिल्कुल चेंज हो गए। ये जो स्पोर्ट है इसको आप समझते हैं हुकूमती तवज्जो मिलनी चाहिए? आप बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं काफ़ी, मैं सोशल मीडिया पे कल देख रहा था
कि आप काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस खेलों को भी यहाँ मिलनी चाहिए, मतलब कि जैसे क्रिकेट को मिलती है इस तरह स्पोर्ट हर खेल को मिलनी चाहिए, जैसे चाइना में ओलंपिक लेवल की अकेडमीज़ हैं इस तरह पाकिस्तान में भी खुलनी चाहिए। कल देखिए फिर आपने परफॉर्मेंस अरशद नदीम की, कैसी लगी? मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली, मैं सुबह रात को जाग रहा था इसीलिए, वैसे मैं पर्सनली 12 बजे से पहले सो जाता हूँ, मैं रात को जाग रहा था कि यार एटलीस्ट कोई गोल्ड मेडल जीते हम देखें। हम मेरी 2002 की पैदाइश है, इससे पहले 1984 में हम गोल्ड मेडल जीते, यानी कि हमारे पुरखों ने देखा था, हमारे माँ बाप मामा पापा ने देखा था गोल्ड मेडल जीते, हमने कभी नहीं देखा। खैर खुशी हमें बहुत हुई, मगर हमें सबक भी तो सीखना चाहिए एटलीस्ट कि यार देखिए कि 118 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा, 32 साल बाद पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आया। जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं बिलखसूस जो क्रिकेटर्स हैं उनको तो सीखना चाहिए, क्रिकेटर को तो इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं पर्सनली डाई हार्ड फैन हूँ क्रिकेट, कहना है ठीक है, तो लास्ट टाइम हम 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, इनको एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि यार पीसीबी जो है ना हमारा सबसे अमीर इदारा है पाकिस्तान का, सबसे गवर्नमेंट इदारों में पीसीबी सबसे अमीर इदारा है, तो वहाँ पर इनको हर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो वो इंग्लैंड में है, यूएसए में, वो आता ही नहीं है। आप देख लें शहीन को इस टाइम उसने यूके में स्टे किया हुआ है, आपके सामने ही कल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उसकी तस्वीरें हैं। हम प्लेयर्स को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हमें चाहिए वर्ल्ड कप चाहिए, हमें उनकी पर्सनली नहीं चाहिए, लीग्स जीत जाएंगे, लीग्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिलेटरल सीरीज जीत जाएंगे, हमें टूर्नामेंट चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, जो कि हमें नहीं दे रहे। अब ये देखिए अरशद नदीम है, इसने पर्सनली खुद मैनेज किया, आपने ये भी न्यूज़ देखी होगी कि ये जो नवंबर दिसंबर में वो पैसे मांग रहा था, उसके पास जेवलिन थ्रो खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे, उसको किसने पैसे दिए? पीसीबी ने दिए, उसके पास पैसे ही नहीं थे। एक बंदा जिसके पास पैसे ही नहीं है और वो गोल्ड मेडल जीत रहा है, और एक बंदा उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उनकी 45 लाख तनख्वाह है महीने की, वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे। ये तो ज्यादती है, ज्यादती वाली बात तो है, हमारे दिल भी टूटते हैं, हम तो इस दफ़ा अमेरिका से भी हार रहे हैं। अब सीएम साहिबा ने 10 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया है, कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई है कि यहाँ पर उनको वेलकम किया जाएगा, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? जिस तरह के जब 2013 की जब चैंपियन ट्रॉफी हम जीते थे, जिस तरह सरफराज के घर के बाहर हुआ था क्राउड, उस तरह का क्राउड होना चाहिए, वेलकम, बिग वेलकम होना चाहिए, कि पता चले कि यार किसी ने वेलकम किया, क्योंकि गोल्ड मेडल जीते हैं, ना ब्रॉन्ज है ना सिल्वर, एक गोल्ड मेडल है, 40 साल बाद आपके मुल्क में गोल्ड मेडल आया है तो उसके लिए बिग वेलकम तो बनता है, ये तो डिजर्व करता है, इससे ज़्यादा वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसने सब कुछ अपने बलबोते पे किया है, ना गवर्नमेंट के बलबोते पे किया है, ना उसने किसी और बंदे के बलबोते पे किया है। आप कल देख रहे थे ये सारा जो है वो टूर्नामेंट, इंडिया की बड़ी कमेंट्री दिलचस्प आ रही थी कि हम हरा देंगे, ये कर देंगे, बाद में एकदम सारा कुछ ठुस हो गया। उनको नीरज चोपड़ा से उम्मीद बहुत थी, क्योंकि वो लास्ट टाइम 2021 के अंदर भी टोक्यो में जो हुई थी ओलंपिक्स, उसमें भी वो जीता था, तो उनको इस बार बड़ी उम्मीद थी कि यार वो नीरज चोपड़ा जीत जाएगा, मगर हमें बड़ी खुशी हुई कि वो भी सिल्वर जीता है, क्योंकि उसकी जो वालदा की स्टेटमेंट थी वो भी काफ़ी वेलकमिंग थी, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि कोई मुझे दुख नहीं है कि मेरा बेटा सिल्वर जीता है, मेरा ही बेटा जो गोल्ड जीता है। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स अच्छी लगती हैं कि यार साथ वाले मुल्क से आपको ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिले। कल पाकिस्तान फिर आलमी चैम्पियन बन गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कि 7 हमारे एथलीट्स गए हैं, जिसमें से एक ही एथलीट जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, और 32 इयर्स के बाद जो है हम गोल्ड मेडल अचीव करने में काम, ना सिर्फ गोल्ड मेडल अचीवमेंट है बल्कि आप देखें उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है सबसे लंबी थ्रो फेंकने की, तो इससे पहले जो इंडियन है उनका रिकॉर्ड था वो आज उन्होंने ब्रेक किया है, तो ये एक बड़ा बड़ा प्राउड मोमेंट है। कैसा वेलकम होना चाहिए अरशद नदीम? देखें वेलकम, मैं तो ये समझता हूँ कि जितना क्रिकेट को यहाँ पर लोग पसंद करते हैं और उसको देखते हैं, तो जिस तरह से 1992 में खान साहब जब जितवा के लाए थे तो वेलकम हुआ था, मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो अभी मैं सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारर साहब, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनका बड़ा एक हीरो किस्म का जो है ना इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, सीएम साहिबा ने भी बड़ी एक अच्छी अमाउंट उनको देने का तोहफे में ऐलान किया, और लोग कुछ प्राइवेट भी उनको गिफ्ट जो है वो दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। देखें सर, जीत का जो है ना वो हर कोई साथी होता है, हार का कोई साथी नहीं होता। जिस टाइम पे अरशद नदीम को सपोर्ट की ज़रूरत थी तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई लाइक द वे मुल्तान सुल्तान सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड अरशद नदीम साहब। तो आप देखें वो जो उनके मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं वो यंग हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। इसी तरह से उनके जाने से पहले, या फिर अगर आप दूसरी तरफ इस चीज़ को देखेंगे, 7 सिर्फ एथलीट गए हैं 27 मिलियन पॉपुलेशन में से, यानी कितनी कम परसेंटेज है, 1% से भी कम लोग गए हैं। तो हमें जो है वो एटलीस्ट इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप पहले सपोर्ट करें, अब जीतने के बाद आप सपोर्ट करें ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी को जाने के लिए सपोर्ट करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बड़ी एक
पॉजिटिव पॉइंट भी है, चले हार जीतने के बाद भी वो सपोर्ट करने का इन्होंने सोचा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा दिया, कौमी हीरो तो बन गए वो। हाँ यार, इसमें ना ये चीज़ है कि हमें ना 1984 में ना हॉकी का ओलंपिक्स में लेके आए थे, उसके बाद 40 साल बाद अरशद नदीम हमें इतनी बड़ी फतह दिलाई, कौम का सर बुलंद गया। बाकी स्पोर्ट्स में बहुत वीक जा रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप गया 2024 2023, क्रिकेट का इससे बड़े मायूस थी कौम, इसकी वजह अरशद नदीम की वजह से हम बहुत खुशहाली आई है। तो नाज़रीन अवाम की राय आपने मुलाहिजा की, कौमी हीरो अरशद नदीम को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए पूरी कौम भरपूर तैयार है, और जो खुशी और कामयाबी अरशद नदीम की स्ट्रगल उनकी अनथक मेहनत की वजह से पाकिस्तान को मिली है, पूरी पाकिस्तानी कौम इसको सराह रही है और यकीनन सराहती रहेगी। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।